अच्छा मेरी बात सुने, मैंने आज तक आपका कोई राज फाश नहीं किया, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? नहीं, कुछ ड्रामा क्यों किया? अल्लाह मालिक है, देखिए मैं क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे वीडियो पे, गलत गलत किस्म की हरकतें करते थे उस वक्त। अपने अजीबोगरीब बयान के लिए हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद पर गंदा वीडियो भेजने का आरोप लगा है। यह आरोप पाकिस्तान की चर्चित व विवादास्पद टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने लगाया है। हालांकि जब ट्विटर पर यह आरोप लगाने के बाद जब बात बढ़ती दिखी तो हरीम ने अपना पोस्ट व वीडियो डिलीट कर दिया है, लेकिन अब तक यह वीडियो बहुत वायरल हो चुका है। इस वीडियो में हरीम शाह रेल मंत्री शेख रशीद के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत कर रही है। वीडियो में हरीम कह रहे हैं कि मेरी बात सुनिए, क्या मैंने आज तक आपकी बात किसी को बताई है? फिर भी आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? इस पर रशीद कहते हैं कि जो दिल चाहे करो। इसके बाद हरीम शाह कहती है, क्या मतलब है आपका उन तमाम गंदी वीडियो का क्या जो आप मुझे भेजा करते थे? क्या आप उन्हें भूल गए? इनकी बातचीत के बाद शेख रशीद फोन काट देते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होने के बाद हरीम शाह ने अपनी सफाई में क्या कहा, चलो देखते हैं। शेख रशीद से हमारी वीडियो कॉल में बात हुई थी, मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने मैसेज वगैरह किए तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे वीडियो कॉल की व्हाट्सएप पे। तो हरीम ने जल्दी से रिकॉर्डिंग कर ली कल को कि कोई प्रॉब्लम बने तो, और वो यूज करते हैं, उनकी कॉल्स रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद हरीम से भी बात की, मेरे से भी बात की और मिलने को भी बोला उन्होंने, लेकिन हमने एक्सपोज नहीं किया, लेकिन हमने नहीं बताया, हमने एक्सपोज नहीं किया उनको, किसी और ने अपलोड किए हैं वीडियो। पाकिस्तान में शेख रशीद जैसे नमूनों की कोई कमी नहीं है, तो चलो आगे देखते हैं ऐसे कुछ नमूने। राजा ने पूछा कि बम्बू का क्या मतलब है, नवाब साहब ने कहा ये, मैंने कहा नहीं उसको बोलते ये, नहीं उसको बोलते ये। जय हिंद जय भारत दोस्तों, ये जो आपने देखा ये तो सिर्फ ट्रेलर था, मेन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। अरे भाई कोई समझाओ इसे, चिल्लाने से थोड़ी कोई अमीर बन जाता है, पाकिस्तान कभी अमीर बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं क्योंकि पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, मैं क्योंकि पैसा तो हमारे पास है ही नहीं। कितना सच्चा आदमी है इमरान खान, सब कुछ सच सच बता दिया। चलो इमरान खान के दोस्त पूछते हैं इमरान खान कैसा आदमी है। ये मेरा कॉलेज मेट है, बड़ा गुंडा ये था एक नंबर, दूसरा नंबर का गुंडा मैं था। पाकिस्तान के नमूने देखकर आपको समझ आया ही होगा कि पाकिस्तान के नेताओं ने पॉलिटिक्स छोड़कर कॉमेडी करनी चाहिए। अब इन भाई साहब को देखिए, चार बोतल और का काम मेरा रोज का। बिलावल से मेरा कुछ ना कुछ अंडरग्राउंड चल रहा है। बिलावल तो मुझ पे भी तनकीद कर रहा है, मुझे तो डर है किसी दिन अपने कपड़े फाड़ कर ये थाने चले जाएगा कि शेख रशीद ने छेड़ा, और फिर इमरान खान को कहेगा कि इसने मुझे छेड़ा है, इसको वजारत से निकालो। खामोशी खामोशी। हैप्पी बर्थडे माय लव। आप जरूर चाहते हैं कि मैं बिलावट के साथ खाम खा दिल लगी करूं। उसका 6 महीने पता नहीं कितना होता है, उसका 6 महीने भी 9 महीने होते हैं। पाकिस्तान में चलने वाला प्यार मोहब्बत और दोस्ताना तो आपने देख लिया, तो चलो देखते हैं पाकिस्तान के नेताओं की इंग्लिश कैसी है। अचीव टारगेट, आई थिंक पाकिस्तान ऑलवेज ट्राई टू फ्रेंडशिप विद इंडिया। आई थिंक पाकिस्तान सॉरी। अबे मोटे कितना खाता है, इधर ध्यान दे, तुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है,
ये बहुत बड़ी ज्यादती है। सवालों का जवाब दे, बाद में खाना देता हूँ तुझे। मुझे आप क्या समझते हैं? एक नंबर का भुक्कड़। आधे पाकिस्तान का खाना अकेले ही खा जाता है और भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बकता रहता है। मैंने कभी सोचा नहीं था। अबे ये माइक खराब है, जरा ध्यान से। हम तुम्हारी मोटी नीयतों से वाकिफ हैं। तुम्हारा रस करंट लग गया। खैर बोला था माइक में करंट आता है। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। पाकिस्तान की तुमने इतनी बुरी हालत कैसे कर दी? इस पाकिस्तान को हमने लूटा, नोचा, तबाह बर्बाद किया। अब तो छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान को लूटने का इतना मौका कैसा मिल गया? इस मुल्क में बिकाऊ लोगों की कमी नहीं है, इस मुल्क में धोखेबाजों की कमी नहीं है, और वो हर जगह है, सियासतदान भी है। भी लोग तेरे बातों में आ ही जाते हैं। मुझे पता है कि मैंने लोगों के सामने क्या कहना है। कितना बड़ा हरामी है रे तू। मैं कुछ गाजर मूलियां बेचकर इस तरह यहाँ नहीं आया। अगर लोगों को पता चल गया तो? ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। अरे ये पाकिस्तानी स्टेज पे चढ़ रहे हैं, इन्हें पीछे करो जरा। जरा पीछे हो जाए यार, एक तो ये कैमरा मैन ही पाकिस्तान में 20 करोड़ कैमरा मैन हो गए, जरा से पीछे हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की तो पॉपुलेशन ही 20 करोड़ है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। बातें तो ऐसे ही कर रहे हो। ये मैं भी इसका क्रॉस, क्या कहते हैं इसको, जो टीवी और अखबार दोनों होते हैं, प्रिंट मीडिया और इसको एक लफ्ज़ स्पेशल होता है इसका। अरे रहने दो, ये आपसे नहीं होगा। अब कुछ सवाल पाकिस्तान रेलवे पे। हम तैयार हैं। तुमने पाकिस्तान रेलवे मिनिस्टर बनने के बाद कौन से काम किए? मेट्रो का नाम सुना है कभी? चल ठीक है, मैं तुझे KGF 2 के पोस्टर दूंगा, पाकिस्तान में लगा देना। क्या हम लोगों के पोस्टर लगाने के लिए पैदा हुए? मोदी जी ने ऑर्डर दिए हैं, सोच लो। हम तैयार हैं। इतना जल्दी मान गया? खुद मोदी ने मौका दिया। मोदी जी का एजेंडा पता है क्या है? मोदी का एजेंडा पाकिस्तान को खत्म करना है। तो तुम मोदी जी का विरोध करोगे? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुमने ऐसा बोला तो था। नहीं, नो एंड नेवर। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगले वीडियो में हमें किसकी लेनी है ये भी आप हमें कमेंट में बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको जरा सी भी हंसी आई है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखकर अगर आपको थोड़ी सी भी खुशी हुई है तो इस खुशी को अपने दोस्तों के साथ बांटिए, जरा उनको भी हंसने का मौका दीजिए।